नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति के, जिसमें आज हम आपको ब्लाउज का डीप नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। ये हमारा ब्लाउज का अस्तर है और ये कपड़ा है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, चौड़ाई 8 इंच है, आर्म होल 5 इंच है, शोल्डर 5 इंच है। गले की कटिंग करेंगे, वो हमें बुकरम की कटिंग करना है। ये हमारा बकरम है, बकरम की लंबाई 12.5 इंच है, चौड़ाई 6 इंच है। हम गले के निशान लगाएंगे तो यहाँ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की गहराई 10.5 इंच है, यहाँ हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इसे सीधा लकीर खींच लेंगे। इस निशान से इस निशान को मिला लेंगे। यहाँ से हमें 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, बाहर की ओर 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें गोलाई में इस निशान तक मिला लेना है। इसको इस निशान से मिला लेंगे तो पहले हमें बाहर का निशान लगा लेना है। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। 1-1 इंच पे ऊपर निशान लगाते चले जाएंगे। अब इस निशान को इस निशान तक मिलाएंगे, इस तरह से बुलाएंगे। अब इसके बाहर हमें 1-1 इंच पे सार में निशान लगा लेंगे। इसे भी इस तरह से हमें मिला लेना है। ये मेन गला हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ तक मिला लेना है। इसी तरह लंबा लकीर यहाँ तक हमें खींच लेना है, इसी के सीध में। यहाँ से हमें 1-1 इंच पे बाहर की ओर निशान लगाएंगे। अब ये वाले अंदर की कटिंग करेंगे पहले। और सबसे बाहर की कटिंग करेंगे। अब ये बीच वाले जो निशान है इसे कट करके साइड कर लेंगे हम। ये हमने कटिंग कर ली है। इसे हमें दूसरे कपड़े पे पेस्ट करना है, और इसे हमें लाल कपड़े पे ही पेस्ट करना है। ये हमने गले को इस कपड़े पे पेस्ट कर लिए हैं, और ये जो दूसरी पट्टी थी बीच का उसे इस कपड़े पे पेस्ट कर लिए हैं। ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दिए, ये दब जाएगी अंदर की ओर से। इस तरह से ये आ जाएंगे। अब इस कपड़े पर हमें अस्तर जॉइंट कर लेना है। अब इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है अंदर की ओर। इसके किनारे पे सिलाई करते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेना है। ये हमने कपड़े के चारों तरफ अस्तर जॉइंट कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। अब इन गलों पे भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। इसको इस तरह से बैठा लेंगे हम दोनों सेंटर को मिलाते हुए।
इसके बीच में हमें सिलाई कर लेना है। हम गले के किनारे पे सिलाई करते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। ये हमने गले के चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब ये बीच के कपड़े को कटिंग कर लेंगे। कट का निशान लगा देंगे। अब इस गले को अंदर की ओर पलट देंगे इस तरह से। किनारे से थोड़ा साइड करके ही हमें सिलाई करना है। यह हमने इस तरह से गले बना लिए हैं। अब ये जो पट्टी है इसको इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लग जाएगी तो इसे हम लगा लेते हैं पहले। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी पट्टी लगा लेना है। ये हमने दोनों पट्टी लगा ली हैं। अब इसके ऊपर लैस लगाना है। तो इसके लिए ये लैस है, इसको इस तरह से रखेंगे। इसी तरह से हमें गले के चारों तरफ लगा लेना है। ये हमने इस तरह से लैस लगा ली है। इसके ऊपर बटन लगाना है। तो ये बटन है। इस बटन के ऊपर हमें ये लटकन लगा देना है इस तरह से। ये हमने लटकन लगा लिया है। इसमें नीचे आप चाहे तो लैस भी लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।